इस्तेमाल किया जाता है, जिनको पहले जांच किया जाता है, इसके बावजूद भी उन्होंने खास अपना साथ नहीं छोड़ा। आज मखसूस निषद ने हकों पर फैसला हुआ है, बंदरगाह खत्म हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला किया है, इमरान खान को भी ने मैंडेट दे दिया और इमरान खान की हमारी पार्टी की जीत है। तो आज तमाम की तमाम माइनॉरिटीज की जीत और आज हमारी जो जीत थी खवातीन के साथ पार्टी में मिल गई है। हम इस दर्जे का हर मकदम करते हैं, इंशाल्लाह 15 दिन में मेरिट के ऊपर जो फैसले होंगे, तमाम खवातीन जो रिजर्व करती थी खान साहब का साथ नहीं छोड़ा, तमाम की तमाम वो इंशाल्लाह इमरान खान ने रिजर्व करेगी, चाहे सूबाई असम्बली में चाहे इंशाल्लाह नेशनल असम्बली में। और अब इंशाल्लाह जिस सेनेट का हमारा इलेक्शन के टिकट का हमें हक नहीं दिया गया था, सेनेट का इलेक्शन भी वो होगा और हमारे जितने भी सेनेटर्स के टिकट रिजर्व करते वो भी इंशाल्लाह की बात का हिस्सा बनेंगे। एक जमाने में दोबारा से इमरान खान ने क्या जीत किया है, आज इमरान खान जीत गया है, पूरे कौम पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह मेरा जिक्र इमरान खान से जुड़ा है, जेल से बाहर आएगा, तमाम लोग दोबारा उसको वोट देगा और मेरा लीडर इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा इंशाल्लाह। बुशरा बीबी के हक में फैसला आएगा और इमरान खान के हक में फैसला आएगा, उसके बाद बुशरा बीबी के लिए हम सॉलिडेरिटी के लिए आज यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक फैसला आया है, वहाँ पे भी आज इमरान खान के नज़रिए की जीत हुई है, इमरान खान जीत गया है, इमरान खान की पार्टी जीत गई है। वो भी गुनाह शख्स जो पाकिस्तान की वफादारी की खातिर, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की खातिर, एब्सोल्युटली नॉट कहने की खातिर, जो हमारे नस्लों की जंग लड़ने के लिए काल कोठरी के अंदर बैठा हुआ है, उस शख्स की पार्टी को, पीटीआई को आज हमारी खवातीन टाइग्रेसेस जो सड़कों के ऊपर पीडीएम से पीएमएलएन से मार खाती है, जिनको इम्प्रिजन किया जाता है, जिनकी इज्जतें उछाली जाती हैं, जिनकी चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाता है, जिनको पर लाठी चार्ज किया जाता है, इसके बावजूद भी उन्होंने खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। आज मखसूस निशस्त हक के ऊपर फैसला हुआ है, बंदर बांध खत्म हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है, इमरान खान का उन्होंने मैंडेट मान लिया और इमरान खान की हमारी पार्टी को, पीटीआई को आज तमाम की तमाम माइनॉरिटीज की सीट और आज हमारी जो सीट थी खवातीन की रिजर्व सीट वो आज हमें मिल गई है। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, इंशाल्लाह 15 दिन में मेरिट के ऊपर जो फैसले होंगे, तमाम खवातीन जो डिजर्व करती जिन्होंने खान साहब का साथ नहीं छोड़ा, तमाम की तमाम वो इंशाल्लाह इमरान खान को रिप्रेजेंट करेंगी, चाहे सूबाई असम्बली में चाहे इंशाल्लाह नेशनल असम्बली में। और अब इंशाल्लाह जो सेनेट में हमारा इलेक्शन के पिके का हमें हक नहीं दिया गया था, सेनेट का इलेक्शन भी वो होगा और हमारे जितने भी सेनेटर्स के पिके से डिजर्व करते वो भी इंशाल्लाह ईवान का हिस्सा बनेंगे। एक दफा से मैं दोबारा से कि इमरान खान का नज़रिया जीत गया है, आज इमरान खान जीत गया है, पूरी कौम पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ी है, इंशाल्लाह मेरा लीडर इमरान खान बेगुनाह है, जेल से बाहर आएगा, तमाम लोग दोबारा उसको वोट देगा और मेरा लीडर इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा इंशाल्लाह। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। सॉरी, आज फैसला क्यों नहीं दिया गया? हाई कोर्ट का ऑर्डर था 12 तारीख को इज्जत केस का फैसला कराना था। बिल्कुल, हाई कोर्ट का ऑर्डर था 12 तारीख तो बुशरा बीबी के इज्जत केस का उन्होंने फैसला देना है, देना भी चाहिए। आप जितना फैसला डिले करते हैं उतना शकूक व शुबात भी बढ़ते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि खवातीन की मुसलसल तोहीन हो रही है और तमाम खवातीन बार बार एक ही बात करिए कि ये सिर्फ बुशरा बीबी का केस नहीं है, तमाम पाकिस्तान की खवातीन का ये केस है। तो हक के ऊपर ये फैसला आ जाना चाहिए, बुशरा बीबी को इस घटिया केस से निजात दिलवानी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कल ये फैसला बुशरा बीबी को इमरान खान के हक में आएगा इंशाल्लाह। मजीद इस फैसले को डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की तमाम खवातीन के ऊपर जो है वो गंद उछाला जा रहा है जी।
बहुत शुक्रिया। और मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मीडिया के ऊपर भी इंतहाई पाबंदियाँ, इसके बावजूद भी आप भी जुल्म और जबर के बावजूद हमारी बात हर जगह पे पहुँचाते हैं, आवाम की बात पहुँचाते हैं, तो मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू जी।